बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट रमजान में भी ठीक ठाक हैं। आज आपको बहुत अच्छी बैगन के रायते की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आप एक बार बनाएंगे तो पूरे हफ्ते ही बैगन के रायता बनवा के खाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बैगन ले लिया, उसको पानी में डिप करके रखा हुआ, उसको कट कर लिया गोलाई में। अगर आप चाहें तो छिलका समेत भी कर सकते हैं। मैंने छिलका उतार लिया, छिलका पसंद नहीं है बैगन के अंदर तो इसे उतार लिया है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। गर्म ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, इसमें मैं ये बैगन फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करने गोल्डन हो जाए और ये गल भी जाए। जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर पसंद आती है वीडियो, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत मज़े की होती है और बहुत हल्की फुल्की सी रेसिपी है ये। बस सुबह दोपहर के जो है खाने में आप चपाती के साथ इसको खा सकते हैं। बैगन के तो वैसे अपनी बहुत अफ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो आयरन बहुत वाफिर मकदार में पाया जाता है। बहुत से बीमारियों का इसमें इलाज भी है और ये कैंसर की बीमारी का भी बहुत इसमें जो है इलाज छुपा हुआ है। अगर जो लोग कैंसर के मरीज़ हैं वो बैगन के इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा करें, इंशाल्लाह उसको अफादियत होगी, शिफा होगी इसे। एक तरफ हमारा जो है फ्राई हो रहा है बैंगन, तो दूसरी तरफ हम ग्रेवी बना लेंगे रायते के लिए। ऑयल ले लिया, इसमें प्याज ले लूँगी। बैंगन को मैं पलट लूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाए। प्याज के साथ ही शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल में, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ये भी 1/4 टीस्पून, ये है अदरक पाउडर ये भी 1/4 टीस्पून, नमक जाएगा हल्दी जायका। अभी को अच्छी तरह मिक्स कर ले, इसे थोड़ा ढक के रख देंगे ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से। एक बैच रेडी हो गया बैगन का, अब हम दूसरा बैच इसी से सारे बैच इसी तरह रेडी कर लेंगे। जब तक हमारा जो है मसाला रेडी हो रहा है बैगन के रायते के लिए और बैगन भी हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम ये हम रायते के लिए दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। बहुत अच्छी तरह फेंटना है इसको, और ये अगर ज़्यादा खट्टी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत मज़े का बनेगा। इसको थोड़ा सा जो मीठी हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत मज़े का इतना रायता बनेगा। खट्टी होगी तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ा नमक शामिल करेंगे दही में, सॉफ्ट हो गई थी प्याज, सॉफ्ट हो गई हमने थोड़ी दही शामिल कर दी, थोड़ी सी ग्रेवी मज़ेदार बन जाएगी। कट के वो कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे इसमें, थोड़ा रायता अच्छा रहेगा। और लहसुन का जो हमने थोड़ा सा जो भी कट करके शामिल कर दिए थे चॉप करके, लहसुन के जगह कड़ी पत्ता। बैगन हमारे फ्राई हो गए थे थोड़े से, तो हम इसमें मसाला डालेंगे, थोड़ा अभी डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। इसपे थोड़ी दही डालेंगे फेटी हुई, दही डालने के बाद दोबारा बैंगनों की तह लगाएंगे। अब दोबारा हम इसके मसाला जो बच गया था वो शामिल करेंगे। हम इसके बघार के लिए करेंगे काम,
थोड़ी दही डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा मिक्स मसाला ज़ाया ना हो हमारा। कोशिश कीजिए कि आपका मसाला ज़ाया ना हो। हमने दही में मसाला शामिल नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा चटपटा मसाला है, तो दही में भी शामिल करेंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी। दही हमने प्लेन ही रखी, नमक डाल दिया बस दही में हमने। बघार तैयार करेंगे। ऑयल ले लिया है, पैन में हमने इसमें जीरा डाल देंगे। इसको हमने ज़्यादा जो है जलाना नहीं है, बस कड़कने की आवाज़ आने लगे चटकने की, तो हम इसको जो है बघार के लिए रख लेंगे। साथ में कड़ी पत्ता, साबुत मोटी लाल मिर्च, ये तोड़ के डालिएगा तो अच्छा लगेगा। हरी मिर्चें ये ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ेदार होता रहता। थोड़ी बची हुई दही है ये भी शामिल कर देंगे। बघार रेडी हो गया, ये भी शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, यम्मी सही है हमारा बैगन का रायता रेडी है। तो बस हमारा रेडी हो चुका है बैगन का रायता। अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूअर्स, हमारा ज़बरदस्त सा बैगन का रायता बनकर रेडी हो गया। आप भी इस तरीके से खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए, सबको एंजॉय करवाइए, और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हर जगह से आपको खुशियाँ और नेमतें अता करें जहाँ से आपका गुमान ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।